गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी टीच स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट इंग्लिश। आज के वीडियो में मैं आपको माय बेस्ट फ्रेंड का मैं आपको कॉम्पो बताऊंगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने माय फैमिली के कॉम्पो मैंने आपको बताया था। ये कॉम्पो मैंने आपको CW में लिखने के लिए दिया था। ये कॉम्पो पीछे वाला जो मैंने आपको फील करने के लिए दिया था कि आपको माय नेम इज़ आपका नाम, आपके फैमिली में कितने मेंबर है वो, माय फादर नेम ओके, उसके बाद माय मदर नेम, ये आपको मैंने आप लिखने के लिए दिया था। ठीक है, आज मैं आपको माय बेस्ट फ्रेंड का कॉम्पो बताऊंगी। ओके, ये आपको लर्न करना है, रीड करना है और लिखना भी है। ओके, ये आपको सेकेंड में तो आपको आएगा ही आएगा, ये आपको थर्ड में भी आएगा। उसमें फर्स्ट लाइन है माय बेस्ट फ्रेंड इज राम, मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या है, राम। ओके, यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड इज अ राम, ही इज अ माय क्लासमेट, वो क्या है, मेरा क्लासमेट है। यहाँ पे ही क्यों आया सब जगह, क्योंकि यहाँ पे बॉय है। अगर यहाँ पे लड़की का नाम होता तो सब में क्या आता, शी, ही की जगह क्या आता, शी, पर यहाँ पे लड़के का नाम दिया हुआ है। जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड राम है, तो आपका अगर बेस्ट फ्रेंड कोई गर्ल है तो आपको यहाँ पे शी आएगा सब जगह। ओके, और यहाँ पे हर आएगा, यहाँ पे ही इज़ माय क्लासमेट, वो क्या है, मेरा क्लासमेट है, मेरे क्लास में पढ़ता है मेरे साथ। ही ईट सिंपल फूड, वो सिंपल फूड खाता है। ही स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश बोलता है अच्छी तरह। His favorite color is red. उसका favorite color क्या है, red. He always help me my study. वो क्या करता है, हमेशा मेरी study में क्या करता है, help करता है। He lives nearby my house. वो कहाँ रहता है, मेरे घर के पास रहता है। He is a very good in sport. वो क्या है, sport में बहुत अच्छा है, good है। He is a very helpful to other. वो सबके लिए हेल्पफुल, दूसरों के भी लिए हेल्पफुल है। समझ में आ गया आपको, ही इज़ वेरी हेल्पफुल टू अदर्स, वो दूसरी चीज़ों में भी बहुत हेल्पफुल है। आई लव हिम वेरी मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये क्या है, बॉय है उसका फ्रेंड एक राम, वो क्या है, उसका क्लासमेट है, वो सिंपल फूड खाता है, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। ओके, उसका फेवरेट कलर रेड है। ही ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा उसको हेल्प करता है, मदद करता है। उसके बाद ही लिव्स, उसके घर के पास रहता है। ही लिव्स नियर बाय माय हाउस, वो उसके घर के पास रहता है। ही इज़ अ वेरी गुड इन स्पोर्ट, वो क्या है, स्पोर्ट में क्या है, बहुत अच्छा है। ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल टू अदर एंड आई लव हिम वेरी मच। ये आपको क्या करना है, माई बेस्ट फ्रेंड का जो कॉम्पो है, ये आपको जैसे आपने माय फैमिली का कॉम्पो लिखा था, उसके आगे आप टू नंबर डाल के लिखेंगे माय बेस्ट फ्रेंड। आपको टू नंबर डालना है और लिखना है हेडिंग, सब स्टैंडर्ड लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, माय बेस्ट फ्रेंड हेडिंग डाल के, आपको डेट डाल के इसको CW में वन टाइम अच्छी तरह से 1 by 1, 2, number 3, जैसे आपको 1 to 10 मैंने नंबर डाल के आपको लिख के दिए हैं, वैसे आपको इसको अपनी CW की नोटबुक में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, आपको CW की नोटबुक में इसको वन टाइम कंप्लीट कर लेना है। और इसको आपको रीड करना नहीं भूलना है, इसको रीड भी करना है, आपको लर्न भी करना है। आपको 1 by 1 एक एक सेंटेंस आपको करना है। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा कि माय बेस्ट फ्रेंड, आपको इतना इजीली लर्न हो कि माय बेस्ट फ्रेंड इज, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उसको आपका नाम लिखना है। ओके, उसके बाद ही इज़ माय क्लासमेट, आपको दो दो लाइन ही इज़ माय क्लासमेट ऐसे आपको पढ़ना है। फिर माय बेस्ट फ्रेंड इज़ राम, उसको आपको 5 times पढ़ लेना है, तो आपको लर्न हो जाएगा कि माय बेस्ट फ्रेंड इज़ राम, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ अ राम, ऐसे आपको लिख लिख के लर्न करना है। उसके बाद ही इज़ माय क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट है। ही ईट सिंपल फूड, ही इंग्लिश स्पीक वेरी, आपको 5 sentences आप पढ़ोगे, आप पहले 5 sentences आप लर्न करो, लिखो,
फिर आप फाइव सेंटेंस पढ़ो लिखो, तो आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पीछे देखेंगे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है माय बेस्ट फ्रेंड। जैसे आपको इस टाइप का भी मैं पूछ सकती हूँ एग्ज़ाम में, आपको इस टाइप का भी आ सकता है। अगर आगे वाला आपको लर्न हो तो आप जैसे आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा हो तो आपको ऐसे लिखना है, और आपको डायरेक्टली पूछा हो कि फाइव सेंटेंस आपको लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड के, तो आपको जैसे मैंने आगे कॉम्पो करवाया उस पे से आपको देख के करना है, लर्न करके लिखना है। और आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आता हो तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे आपको भूल गया होगा कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आपको लड़का लड़की जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो उसका आपको नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद ही शी, ही किसके लिए है, लड़कों के लिए होता है, और शी किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम सीतल है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, ओके। शिव है तो क्या आएगा, ही, यानी आपको पता होना चाहिए कि बॉयज़ के साथ ही लगता है और गर्ल्स के साथ क्या लगता है, शी लगता है, ओके। बॉयज़ के साथ क्या लगता है, ही, गर्ल्स के साथ क्या लगता है, शी। सी इज़ जितने ईयर्स ओल्ड आपकी फ्रेंड हो वो लिख देने का है, वो आपकी क्लासमेट है, ये तो कंपल्सरी आपका आएगा। इसमें आपको ये फिलअप्स आ सकती है, मैंने इसका आपको यहाँ पे लाइन नहीं खींच के दिए, कि ही या सी इज़ माय क्लासमेट, ओके। ही एंड शी इज़ अ बॉय एंड गर्ल, या बॉय गर्ल जो हो आपको लिखना है, अगर लड़की है तो गर्ल और लड़का है तो बॉय, ओके। या दोनों में से अगर लड़की है तो शी इज़ अ गर्ल, बॉय है तो ही इज़ अ बॉय, ओके, समझ में आ गया आपको। उसके बाद ही शी इज़ स्टडी इन क्लास, जो क्लास में पढ़ती हो, सेकेंड में पढ़ती हो, फर्स्ट में पढ़ती हो, थर्ड में पढ़ती हो, फोर्थ में पढ़ती हो, जो क्लास में पढ़ती हो वो क्लास में आपको लिख देना है। ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये जैसे ब्राइट स्टूडेंट आएगा तो आपको ब्राइट लिखना है, ओके, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। ही इज़ अ फेवरेट, ही, हर, हीज, उसका फेवरेट कलर क्या है वो आपको लिखना है, लड़का या लड़की उसका फेवरेट कलर क्या है वो आपको चूज़ करके लिख देना है। उसके बाद ही शी हेल्प मी माई स्टडी, वो क्या करती है, मुझे अपनी स्टडी में हेल्प करती है या करता है, ठीक है। उसके बाद आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, ये तो आपको कंपलसरी लाइन आएगी, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, पर आपको फाइव लाइन तो ऊपर की पक्की करनी है। अगर फिलअप्स के रूप में आता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स माई बेस्ट फ्रेंड आपको इस तरह से आता है तो आपको इस ये करना है, और आपको अगर पूरा कॉम्पो पूछते कि आपको फाइव सेंटेंस लिखना है, अगर आपको ऐसा आता है कि आपको फाइव सेंटेंस उसके बारे में लिखना है तो आपको इसमें से फाइव सेंटेंस कर लेने हैं, ऊपर के कर लो, लास्ट लाइन आपको ये लिखने का, आई लव हिम वेरी मच, आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपको नीचे एक लाइन लिख देनी है, ऊपर की आप कोई भी फोर लाइन लिखो, उसका नाम लिखो, क्लासमेट है उसकी, स्टैंडर्ड लिखो कौन से क्लास में है, वो लिखने के बाद लास्ट लाइन आपको लिख देनी है, आई लव हिम वेरी मच या आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। ये आपको जब अगर आपको एग्ज़ाम में माई बेस्ट फ्रेंड के फाइव सेंटेंस पूछे हो तो आपको इसमें से लिखना है, और अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी हो कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है तो आपको इसमें से करना है, ओके। ये मैंने आपके लिए जगह छोड़ी है, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, ओके। जो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम हो अपने आप लिखना है, वो कितने साल का है वो लिखना है, कौन से क्लास में पढ़ता है, बॉय है गर्ल है, उसका फेवरेट कलर क्या है, ओके। ये सब आपको अपने फ्रेंड से या आपके अपने मम्मा से या घर में किस कोई भी आपके जो बड़े हों उससे पूछ के आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको फिल करने के लिए दे रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको फिल करके लिखना है, ठीक है। सी डब्ल्यू में वन टाइम राइट, ओके। ये आपको लिखना है फिल करके, मैंने फिल नहीं किया हुआ, ये मैं आपको घर से लिखने दे रही हूँ। और ये वाला जो है वो मैंने आपको पूरा लिख के दिया है, वो आपको सेम एज़ क्या करना है, कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है, ओके चिल्ड्रन। आपको क्या करना है, इसका सेम एज़ कॉपी करना है। आपको माय बेस्ट फ्रेंड ये कॉम्पो है, 10 लाइन दी हुई है मैंने, इसमें से अगर फाइव सेंटेंस आपको जैसे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आपको फाइव सेंटेंस लर्न कर लेना है, ओके, और याद लर्न करना है, और अच्छी राइटिंग में आपको अपनी सी डब्ल्यू में वन टाइम लिखना है, ओके चिल्ड्रन। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको वन टाइम लिखना है पीछे अपनी सी डब्ल्यू में, और इसको आपको फिल करना है, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, उसकी एज, बॉय है गर्ल है, स्टडी कौन से क्लास में करता है, उसका फेवरेट कलर, ये सब आपको फिल करना है, ओके चिल्ड्रन। आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा स्टार्ट करेंगे कॉम्पो, ओके चिल्ड्रन।
थैंक यू।